जो इंसान अपनी सोच ख़त्म कर देता है वो इंसान वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जो इंसान अपनी सोच डेवलप करता है, अपने आप को डेवलप करता है ना, वो इंसान तरक्की करता है, वो इंसान आगे जाता है। देखिए, अगर आपके पास एक चांस ख़त्म हो गया, मीन्स कि आपने पेपर दिया है, आपने एम कैट दिया है या ई कैट दिया, आपने एक साल नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट यही है कि आपने क्या करना है, आपने किसी और में एडमिशन ले लेना है, या आपने दोबारा उसकी प्रिपरेशन करनी और नेक्स्ट स्टार्ट दोबारा उसे अटैम्प्ट दे देना है नेक्स्ट साल। ये देखे ना, हर चीज़ के सॉल्यूशंस होते हैं, बैठा नहीं जाता, खौफ नहीं आना चाहिए। देखें, अगर मुझे बाइक नहीं चलाना आता तो मुझे सीखना चाहिए, अगर मेरे यूजेज में है, अगर मुझे मैंने यूज़ करना है उसे, तो बैठना उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए कि इसके बारे में सोचें समझें, क्योंकि हमारे अंदर सोच ख़त्म कर दी गई है। ये मोबाइल्स ने हमारे अंदर सोच ख़त्म कर दी है। वो कहते हम वीडियोस देख के अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपने आप को अप्रिशिएट कब करेंगे कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, या हम अपने आप को खुद इस तरह अप्रिशिएट करेंगे हम कोई वर्क करें, हम कोई न्यू एक चीज़ करें। देखें ना, सब लोग एक जैसे हैं तो नहीं पहचाने जाओगे आप कभी भी। आपको अपना डिफरेंट स्टाइल लेके आना पड़ेगा, आपको अपना डिफरेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट बात करनी पड़ेगी। लोग क्यों पागल कहते हैं जो इन्वेंशंस कर रहे होते हैं? क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ सोच रहे होते हैं, डिफरेंट कहते हैं। उनमें कामयाब कौन हो जाते हैं? जो उस पर कॉन्स्टेंट हो जाते हैं, जिनमें डिटर्मिनेशन होता है, जज्बा होता है, वो कामयाब हो जाते हैं। सीधी सी बात है, हमें भी चाहिए कि इसके बारे में सोचें। स्टेप इनिशियल बहुत बुरे होते हैं यार। अगर हम देखें ना अपनी बचपन की तस्वीर देखें, तो हमारी हंसी अभी तक रुक रुक के, हम तो पागल हो जाएंगे यार, ये हम थे। और आज देखें, और हम जब बूढ़े हो जाएंगे फिर हम देखेंगे, फिर तो हम अपने ओ माय गॉड, काश हम दीन पे चल जाते उस वक्त, हमने ये कहना है। लेकिन ना सोच चेंज हो रही है ना, हमारी सोच चेंज हो रही है बार बार। हमें चाहिए कि इसके बारे में स्टडी करें, कंप्लीट अपनी ज़िंदगी के बारे में हकीकी ज़िंदगी बनाएं, अपनी लाइफ को ना, अपने अपना कोई मुर्शिद ढूंढें अपनी लाइफ के बारे में। अब मज़े के साथ लाइफ गुजारें यार, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर चीज़ होता है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होती, मैं स्टक हो जाता हूँ भाई, अपने इतने ज़्यादा दोस्तों से पूछ रहा होता हूँ, लेकिन एट द एंड होता क्या, जो मेरे दिमाग में चल रहा होता होना वही होता है। इस वजह से आइडियाज़ लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बुरी बात है, किसी के आइडियाज़ को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बुरी बात है। आप खुद सोचें यार, आइडियाज़ लें हज़ार लोगों से लें, बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड वसी होगा, आपको लोगों का राय का पता चल जाएगा, दुनिया का पता चल जाएगा, लेकिन करना अपने अपने मुताबिक है यार। ये कैसे स्टेप्स हो सकते हैं यार, ये जो मुझसे पहले लोगों ने ये काम किया किस तरह किया, ये चीज़ों के बारे में सोचें समझें, किसी को परेशानी ना दें।